أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعرف الله كليه हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं हम पना मांगते हैं अल्लाह वजल की ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि महमद सल्ह वम अल्लाह ताल के बंदे और रसूल है और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर और उनके अहल आयाल पर और उनके सहावर पर रहमतुल्लाहि व वक् मैं जोहा जबीन कुरान की स्टूडेंट हूँ और आज इनशा जूस नाइन लूँगी और जब कहा एक जमात ने इनमें से क्यों तुम नसीहत करते हो ऐसी कौम को अल्लाह अला करने वाला है जिन्हें या अजाब देने वाला है जिन्हें अजाब शदीद इन्होंने कहा मोजिदत करने के लिए तरफ तुम्हारे रब की और शायद के वो वो डर जाए फिर जब वो भूल गए जो वो नसीहत किए गए थे जिसकी नजात दी हमने इन्हें जो वो रोकते थे बुराई से और पकड़ लिया हमने इनको जिन्होंने म किया साथब के सख्त बवजह इसके जो थे वो वो नाफैमानी करते यानी ये जो मछलियों वाले लोगों का वाक़ा है इसमें है ना तीन लोग थे तीन कस्म के लोग थे एक लोग थे जो गलत काम करते थे जो गुना का काम करते थे एक थे जो उनको रोकते थे और एक ग्रुप ऐसा था जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स थे जो कुछ नहीं बोलते थे ना बुराई से रोकते थे ना निकी का हुक्म देते थे कुछ नहीं करते थे तो जब अल्लाह ताली का अजाब आया तो अल्लाह तै दोनों ग्रुप्स के ऊपर असाब लाए यानी जो खामोश थे और जो ना करने वाले थे लेकिन जो लोग नेकी का हुक्म देते थे और बुदाई से रोकते थे उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया फिर जब इन्होंने सरकशी की इससे जो वो रोके गए थे जिससे कहा हमने इन्हें हो जो बंदर जलील इन लोग को जो अजाब आया था उसमें यह था कि वो लोग बंदर बना दिए गए थे और जब खबर दी आपके रब ने अलबत् वो जरूर भेजेगा इन पर क्यामत के दिन इसे जो चखाएगा इन्हें बुरा अजाब बेशक रब आपका अलबत् जल देने वाला है सजा और बेशक वो है अलबत् बहुत बखचने वाला नहायत रहम करने वाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया हमने उन्हें जमीन में ग्रोह ग्रोह बनाकर इनमें से कुछ नहीं है और इनमें से इसके अलावा है यानी कुछ नहीं लोग है कुछ बदलोग हैं और आजमाया हमने इन्हें साथ अच्छाइयों के और बुराइयों के शायद के वो वो रुझू करे जब अल्लाह ताला की आजमाइश आती तो अल्लाह ताला नेमतें देकर भी आजमाते अच्छी चीजें देकर भी आजमाते और नेमतें छीन कर भी आजमाते तो पीछे आए बाद इनके नाखलफ जो वारिस हुए किताब के वो ले लेते हैं माल मता इस दुनिया का और वो कहते हैं ज़रूर बख्श दिया जाएगा हमें और अगर आता है इनके पास माल मानंद इसी के वो ले, ले लेते हैं इसे क्या नहीं लिया गया इनसे पुख्ता अहद किताब में कि ना वो कहें अल्लाह पर सिवाय हक़ के और इन्होंने पढ़ लिया था जो इसमें है और ग़िरत का बेहतर है इसके लिए जो डरते हैं क्या भला नहीं तो मख़ल रखते और वो जो मजबूती से पकड़ते हैं किताब को और वो क़ायम करते हैं नमाज़ को बेशक हम हम नहीं ज़ाय अज़र असलाह करने वालों का यानी अल्लाह ताला की जो किताब आई अब हमारे लिए कुरान है कुरान को मजबूती से पकड़ना यानी उसके अहकामत पर अमल करना है और नमाज क़ायम करना है तो अल्लाह तै ये करने वाले लोगों के अजर को ज़ाये नहीं करते और जब उठाया हमने पहाड़ को ऊपर इनके गोया के वो एक साइबान था और उन्होंने समझ लिया कि बेशक वो गिरने वाला है उन पर पकड़ो जो दिया हमने तुम्हें साथ क़ुव्वत के और याद करो जो इसमें है ताकि तुम तुम बन जाओ और जब लिया आपके रब ने बनी आदम से इनकी पुश्तों से इनकी औलाद को और गवाह बनाया इनको इनके नफ्सों पर फरमाया क्या नहीं हूँ मैं रब तुम्हारा इन्होंने कहा क्यों नहीं गवाही दी हमने ताकि ना तुम कहो क़्यामत के दिन बेशक हम थे हम इससे काफ़िल यहाँ पर आदमी का वाक़ अल्लाह ताला बता रहे हैं और उसद के बारे में बता रहे हैं जो हम सब से लिया गया था जिसे अहद अलस कहा जाता है जब दुनिया क़ायम होने से पहले आदम आलाम की पुष्ट से सारी जो इंसानियत सारे जितने लोग आने वाले हैं उन सब की रूहों से अल्लाह तदा लिए थे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ और हम सब ये गवाही दिए थे कि क्यों नहीं अल्लह त हमारे रब हैं या तुम कहो बेश क्या था हमारे आबा उज्जाद ने इससे पहले और थे हम औलाद इनके बाद वालों की क्या पस तो हला करता है हमें वजह इसके जो क्या गलत कारों ने यानी कल के दिन क़्यामत के दिन कोई इंसान अल्लाह ताला से ये शिकायत नहीं करना कि हम तो वही काम किए जो हमारे बाप दादा ने किया नहीं लेकिन अल्लाह ताला हम सब से ये वादा लिए थे और हर इंसान की फितरत में तोहहीद है ये इंसान के अपने हाथ में है कि वो उस पर फॉलो करना है या नहीं हम हमारे बाप दादा को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते और इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं आयत और ताकि वो वो रुजू कर लें और पढ़िए इन पर ख़बर इस शख़्स की दी हमने इसको आयत अपनी बस वो निकल गया इनसे फिर पीछे लग गया इसके शैतान तो वो हो गया गुमराहों में से यानी हिदायत आने के बाद भी अगर अल्लाह ताला की आयत कुछ फॉलो करते करते छोड़ दिए तो फिर उसके पीछे शैतान हो जाता और वो गुमराहों में से हो जाता और अगर चाहते हम बन बुलंद करते हैं हम उससे साथ उनके और लेकिन वो वो झुक गया जब ज़मीन के और इसने पैरवी की अपने ख्वाहिश की तो मिसाल इसकी मानन मिसाल कुत्ते की है अगर तो हमला करे इस पर वो ज़बान लटका रहता है, है या तो छोड़ दे इसे वह जबान लटकाता है ये मिसाल है इस कौम की जिन्होंने छुटलाया हमारी आयत को पस बयान कीजिए वाक़ा ताकि वो वो गौर फिक्र यहाँ पर अल्लाह ताली उस इंसान की मिसाल बयान कर दें जो दुनिया 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 ही करते रहता उसकी मिसाल अल्लाह तला कुत्ते से बयान कर रहे कुत्ता हमेशा क्या करता चाहे उसको खाने के लिए दो चाहे खाने के लिए ना दो हमेशा उसकी, ज़बान उसकी जबान बाहर रहती और ज़बान जो उसकी बाहर रहती उसके मायने ये है कि वो बहुत ज़्यादा हरीस है तो इंसान की मिसाल यहाँ पर कुत्ते से अल्लाह तला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा हरीस है दुनिया की मोहब्बत में जितना भी दुनिया उसके सामने दो वो और मांगता रहता है कितनी बुरी है मिसाल इन लोगों की जिन्होंने जुटलाया हमारी आयत को और अपने ही नफ्सों पर थे वो वो धे जिसे हिदायत बख्शे अल्लाह बस वही हिदायत पाने वाला है और जिसे भटका दे बस यही लोग हैं वो जो खसारा पाने वाले हैं और अलबत् तहकीक़ पैदा किया हमने जहनम के लिए बहुत से जिनों में से और इंसानों में से इनके दिल हैं नहीं वो समझते साथ इनके और इनकी आंखें हैं नहीं वो देखते साथ इनके और इनके कान हैं नहीं वो सुनते साथ इनके यही लोग मवेशियों की तरह है बल्कि वो ज़्यादा गुमराह है यही लोग हैं वो जो काफिल है अल्लाह ताली यहाँ पर ये यह फरमा रहे हैं कि जहन्नम में बहुत सारे लोग इंसान में से भी जाएंगे और जन्त में से भी जाएंगे क्यों क्योंकि इन लोग के जहनुम में जाने की वजह यह है कि इन लोग जब दुनिया में थे इनके पास दिल भी था लेकिन ये समझते नहीं थे इन लोग के पास आंखें थी वो देखते थे लेकिन हक़ हाँ नहीं देखते थे उनके कान थे लेकिन वो हक़ नहीं सुनते थे ये लोगों की मिसाल तला जानवर से कंपेयर करें इन लोगों के ये जानवर से भी ज़्यादा भटके हुए हैं और ये काफिल लोगों में से है और अल्लाह ही के लिए है नाम अच्छे अच्छे पस्पुकार दो इसे साथ इनके और छोड़ दो इन्हें जो कचरोई करते हैं इनके नामों से अनखरीबो बदला दिए जाएंगे इसका जो थे वो वो अमल करते और इनमें से जिन्हें पैदा किया हमने एक रो है वो रहनुमाई करते हैं साथ हक़ के और साथ इसी के वो अदल करते हैं और जिन्होंने छुटलाया हमारी आयात को ज़रूर हम आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे इन्हें जहाँ से नहीं वो इल्म रखते यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह ताला की जो आयत है खुरान की जो आयत है जो अहकामा है उसको झुटलाने अल्लाह ताला क्या करेंगे आहिस्ता आहिस्ा से उन लोगों को पकड़ेंगे लोग इमेजन भी नहीं कर सकते कि कहाँ उसकी पकड़ हो रही लोग अपनी मस्ती में रहेंगे लेकिन अल्लाह ताला उनको पकड़ लेंगे और मैं मोहलत दे रहा हूँ इन्हें बेशक तदबीर मेरी बहुत मज़बूत है क्या भला नहीं उन्होंने ग़ौर फिकर किया नहीं है इनके साथी को कोई जुनून नहीं वो मगर डराने वाला खुल्लम खुल्ला नबी वसलम को लोग मजनून बोलते थे तो अल्लाह ताला यहाँ पर यह बात क्लियर कर देंगे उनके साथी को कोई जुनून नहीं है लेकिन नबी वसल्लम हमारे लिए डराने वाले हैं और खुल्लम खुल्ला डराने वाले हैं क्या भला नहीं इन्होंने देखा बादशाह में आसमानों और जमीन की और जो भी पैदा किया अल्लाह ने कोई चीज़ और ये उम्मीद है कि हो तहखीर करीब आ चुकी मदत उनकी तो सात किस बात के इसके बाद व ईमान लाएंगे जिसे भटका देता है अल्लाह बस नहीं कोई हिदायत देने वाला है इसे और वो छोड़ देता है इन्हें इनके सरकशी में वो सरगर्दा हैं यानी जिसको अल्लाह ताला भटका दे अल्लाह ताला महफूज रखे इस चीज़ से जिसको अल्लाह ताला भटका दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं और वह अपनी सरकशी में फिरते ही रहता है वो पूछते हैं आपसे इस घड़ी यानी क़यामत के बारे में कब है ठहरना इसका कह दीजिए बेशक इसका पास है मेरे रब के नहीं जाहिर करेगा इसे इसके वक्त पर मगर वही भारी होगी आसमानों में और ज़मीन में नहीं वो आएगी तुम्हारे पास मगर अचानक वो पूछते हैं आपसे गोया कि आप पूरे बाबर हैं इससे कह दीजिए बेशक इल्म इसका पास है अल्लाह के और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते लोग समझते थे नोल तो वसम के पास गैब का इल्म है लेकिन इस आयत में ये बात क्लियर हो रही कि कोई भी किस्म का गैब का इलम आप सर वसम के पास नहीं है जितना इलम्ला तै उनको सिखाया सिर्फ वही वो जानते जैसा कियामत के बारे में या फिर उनके अपने बारे में कुछ भी वो नहीं जानते सिर्फ़ अल्लाह ताली जानते कह दीजिए नहीं हूँ मैं मालिक अपने नफ्स के लिए किसी नफ़े का और ना किसी नुकसान का मगर जो चाहे अल्लाह नवीन यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि मैं अपने नफ्स के बारे में भी कोई फ़ायदे या कोई नुकसान के बारे में नहीं जानता लेकिन सिर्फ अल्लाह चाहते जो कुछ चाहते और अगर होता मैं मैं जानता कैब को अलबत् कसरत से ले लेता मैं भलाई में से और ना पहुँचती मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हूँ मैं मगर डराने वाला और खुशखबरी देने वाला इन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे जैसा कि हम देखें कि नवीसम की ज़िंदगी में कितने मौके ऐसे आए जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कम हुआ एक तो साल ही गम का साल के नाम से मशहूर है जिसमें खदीजा रतलाना की का इंतक़ाल हुआ और आपके चहित चचा का इंतक़ाल हुआ फिर बेटे का इंताल हुआ यह सारी तकलीफ़ें भी पहुँचीं अगर अपने आप को नफ़ा पहुंचाने का हक हाँ होता आप के पास तो क्या वो ये सारे गम उनके ज़िंदगी में आने रहते नहीं तो इसलिए अल्लाह ताला के पास ही हर चीज़ का इल्म है अल्लाह ताला के पास ही गैब है आप के हाथ में कोई चीज़ का इकतदार नहीं था सिवाय वो जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी वही है जिसने पैदा किया तुम्हें जान से एक ही और इसने बनाया इससे जोड़ा इसका ताकि वो सुकून हासिल करे तरफ इसके फिर जब इसने ढांप लिया इसे इसने उठाया बोझ हल्का बस वो चलती रही साथ इसके फिर जब वो बोझल हो गई दोनों ने दुआ की अल्लाह से जो रब है इन दोनों का अलबत् कर दे दिया तूने हमें सही सलामत बचा अगर अलबत् हम जरूर हो जाएंगे शुक्र करने वालों में से यहाँ पर सबसे पहले जिक्र है आदम और का के एक नफ्स से पैदा किया आदम से सबको पैदा किए फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसमें से कपल्स बनाए बहुत सारे फिर आगे अल्लाह ताला फरमाएंगे जब कपल में से औरत प्रेग्नेंट होती तो फिर उन लोग को इंतज़ार रहता कि बच्चा होना है अच्छा सेहतमंद होना है उन लोग डरते रहते कि कैसा होगा क्या करेगा तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करने करते रहते जब प्रेगनेंसी के दौरान तो जब इसने दिया इन दोनों को सही सलामत इन दोनों ने बना लिए इसके लिए शरीक इसमें से जो इसने दिया इन है, बस बुलंदर है अल्लाह इससे जो वो शरीक ठहराते हैं यानी जब औलाद हो जाती है उसके बाद अल्लाह ताला के साथ छिड़काना शुरू कर देते सब भूल जाते जो भी वादे वो किए थे क्या वो शरीक ठहराते हैं इनको जो नहीं वो पैदा कर सकते कुछ भी और वो वो पैदा किए जाते हैं और नहीं वो से तार सकते इस इनके लिए किसी मदद की और ना अपने नफ्सों की वो मदद कर सकते हैं और अगर तुम बुलाओ इन्हें तरफ हिदायत के नहीं वो पैरवी करेंगे तुम्हारी एक्साँ हैं तुम पर बुलाओ तुम इन्हें या तुम खामोश रहो यानी जो रास्ते पर नहीं रहते सीधे रास्ते की तरफ नहीं रहते अगर उनको बुलाओ या ना बुलाओ एक बराबर है दो वो हिदायत की तरफ नहीं आने वाले बेशक वो जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के बंदे हैं तुम्हारी तरह बस पुकारो इन्हें तो चाहिए कि वो जवाब दें तुम्हें अगर हो तुम सच्चे यानी जो हाँ, खबर वाले लोगों को पुकारते जो खबर परस्ती करते परस्ती करते उनके लिए अल्लाह ताला यहाँ बोल रहे हैं कि जिन्हें तुम पुकारते हो वो भी अल्लाह ताला के बंदे ही है जैसा हम बंदे अल्लाह ताला के वो भी अल्लाह ताला के ही बंदे हैं और वो जवाब बिल्कुल भी नहीं देंगे अपने ख़बरों में से क्या इनके पाँव हैं कि वो चलते हों साथ इनके या इनके हाथ हैं कि वो पकड़ते हों साथ इनके या इनकी आंखें हैं कि वो देखते हों साथ इनके या इनके कान हैं कि वो सुनते हों साथ इनके कह दीजिए पुकार दो अपने शरीकों को फिर चाल चलो मेरे खिलाफ़ फिर ना तुम तुम मोहलत दो मुझे अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं कि तुम अपने शरीकों के साथ मिलके मेरे खिलाफ चाल चलो मुझे मोहलत भी मत दो देखेंगे उसके बाद बेशक मेरा दोस्त अल्लाह है जिसने नाजिल की है किताब और वही दोस्त रखता है सॉलिन को और वो जिन्हें तुम पुकारते हो इसके सिवा नहीं वो तरक रखते तुम्हारे मदद की और ना अपने नफ्सों की वो मदद कर सकते हैं और अगर तुम पुकारो इन्हें तरफ हिदायत के नहीं वो सुनेंगे और आप देखेंगे इन्हें के वो देख रहे हैं तरफ आपके हालांकि नहीं वो देख रहे हैं बुध जो रहते उन लोग के उन लोग तो एक स्टिल पत्थर का मजमु रहते वो तो जब आप पुतों की तरफ देखेंगे ऐसा फील होता कि वो आपको देख रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं देखते इख्तियार कीजिए दरगुजर को और हुकुम दीजिए नेकी का और कीजिए जाहिलों से सल्लम को यहाँ अल्लाह ताला समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप उन लोगों को दरगुजर कर दीजिए और उन लोग को निकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से दूर रहिए और अगर वसोसा आया आपको शैतान की तरफ से कोई वसोसा पसपना तलब कीजिए अल्लाह की बेशक वह खूब सुनने वाला है खूब जानने वाला है बेशक जिन्होंने तखवा किया जब छू जाता है इन्हें कोई ख्याल शैतान की तरफ से तो वो चौंक पड़ते हैं फिर एकाएक वो देखने लगते हैं और भाई इन शैतानों के वो खींचते हैं इन्हें गुमराही में फिर नहीं वो कमी करते और जब नहीं आप लाते इनके पास कोई निशानी वो कहते हैं क्यों ना चुन लाया तो इसे कह दीजिए बेशक मैं पैरवी करता हूँ इसकी जो वही की जाती है मेरी तरफ़ मेरे रब की तरफ़ से ये बसीरत की बातें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ही मतलते हैं जो कुफ़ार मका वो अल्लाह के रसूल से डिमांड करते हैं कि मेरे कल सीखो लेकिन अल्लाह तला फरमा रहे हैं कि उनको बोल लो कि मैं मेरी ऐसा सिखाने के लिए नहीं हूँ मैं सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझे वही की जाती है यानी अल्लाह तला जो भेजते वही वही अल्लाह के रसूल पैरवी करते कोई एक्स्ट्रा काम वो अपने से नहीं करते और यहाँ पर अल्लाह तौला फर्मा देंगे ये बसीरत की बात है यानी ये अल्लाह तक की तरफ़ से जो आ रही ये हिदायत और रहमत ये ईमान वाले लोगों के लिए है जिसको आंख है जिसके पास ईमान है वही ये चीज़ समझ सकते हैं और जब पढ़ा जाए कुरान पर ग़ौर से सुनो इसे और खामोश रहो ताकि तुम तुम रह किए जाओ और जिक्र कीजिए अपने का अपने दिल में आजिजी और खौफ से और बग़ैर बुलंद आवाज के सुबह के वक्त और शाम के वक्त और ना हो आप काफिलों में से आदाब सिखा रहे हैं अल्लाह तला यहाँ पर कुरान पढ़ने के कि जब कुरान पढ़ा जाता तो उसको ग़ौर से सुनो और ख़ामोशी से सुनो ताकि अल्लाह ताली रहम करे फिर उसके बाद अली आयत में अल्लाह तला यहाँ पर सुबह और शाम अल्लाह ताला का जिक्र करने की फजीलत बता रहे कि जो जिक्र करने वाले हैं वो गाफिलों में से नहीं होंगे बेशक वो यानी फ़रिश्ते जो आपके अदब के पास हैं नहीं वो तकबूल करते इसकी इबादत से और वो तस्वीर करते हैं इसके और इसी को वो सजदा करते हैं यहाँ पर फरिश्तों के बारे में अल्ल तै बता रहे कि वो अपनी इबादतों पर बिल्कुल भी तब नहीं करते और वो हमेशा तस्वीर करते रहते हैं और सजदा करते रहते हैं अलहमदिल्ला यहाँ पर सूरत ख़त्म हुआ इन शाम हम सूरत स्टार्ट करेंगे सूरत मदनी सूरत है इसमें दस रुकू है और सेवेंटी फ़ाइव आयतें हैं ये सूरत बखरा के बाद नाजिल हुई थी ये सूरत और नफिल का प्लूरल अनफ़ाल और इसके मायने हैं जायद यानी जरूरत से ज़्यादा या हक़ से ज़्यादा और इस सूरत में माल गनीमत और जंग बदर का जिक्र है शुरू करते हैं बिसमर रहीम वो सवाल करते हैं आपसे ग़नीमतों के बारे में यानी मालिक गनीमत के बारे में कह दीजिए गनीतें अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है बस रज्लाह से और असलाह करो आपस में और इत करो अल्लाह की और इसके रसूल की अगर हो तुम तो ईमान लाने वाले यानी ईमान लाने वालों के लिए ये हुक्म है कि अल्लाह ताली से डरना है असलाह करना है आपस में एक दूसरे के साथ के मामला में और जो है ना इत करना है अल्लाह की और उसके रसूल की ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है माल गनीमत वग़ैरह मेन जंग का मकसद ये सारी चीज़ें होना है और फिर गनीमत को सेकेंडरी रखना है बेशक मोमिन तो वो है जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का डर जाते हैं दिल इनके और जब पढ़ी जाती है इन पर आयात इसकी वो ज़्यादा कर देती है इन्हें ईमान में और अपने रब पर ही वो तवक्ल करते हैं वो जो कायम करते हैं नमाज़ और इसमें से जो रिस्क दिया हमने उन्हें वो ख़र्च करते हैं यहाँ पर मोमिनों के सिफात बता रहे हैं अल्लाह यही लोग हैं वो जो मोमिन है सच्चे इनके लिए दर्जे हैं इनके रब के पास और बखिश और रिस्क है इज्जत वाला जैसा कि निकाला आपको आपके रब ने आपके घर से साथ हक के और बेशक एक ग्रूह मोमिनों में से अलबत् नापसंद करने वाला था यहाँ पर जंग बदर का जिक्र है यहाँ पर जंग के लिए निकलने का जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था तो कुछ लोग थे जो इस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे थे वो झगड़ते थे आपसे हक़ में बाद इसके जो वादे हो गया था गोया के वो हांके के जा रहे थे तरफ मौत के और वो वो देख रहे थे और जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोहों में से बेशक वो तुम्हारे लिए है और तुम चाहते थे बेशक बग़ैर हथियार वाला हो जाए तुम्हारे लिए और चाहता था अल्लाह के वो साबित कर दे हक़ को अपने क़लिमात से और वो काट डाले जड़ काफिरों की यहाँ पर जंग बदर का जैसा कि सबको बैकग्राउंड मालूम है कि इन लोग सिर्फ काफिले के पास जाने वाले थे लेकिन वो काफ़िला मिस हो गया था इन लोग से और फिर ये जंग की नौबत आ गई थी सडन प्लान्स हो गए थे जंग के तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक तदबीर थी अल्लाह ताला की ये प्लानिंग थी क्योंकि अल्लाह ताला चाह रहे थे कि जंग होना और मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे वो मारे गए थे जंगे बजर में तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही फरमाए कि वो काट डाले जड़ काफ़ी रो की ताकि वह साबित कर दे हक़ को और वातिल कर दे बातिल को और अगरचे नापसंद करे मुजरम लोग जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से तो इसने दुआ कबूल कर ली तुम्हारी कि बेशक मैं मदद देने वाला हूँ तुम्हें सात एक हज़ार फरिश्तों के एक दूसरे के पीछे आने वाले नव सर वसम जब दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से जंग बदर से पहले तो अल्लाह ताला आप सर को यहाँ पर तसली दे देंगे मैं फ़रिश्तों के जरिए मदद करूँगा और नहीं बनाया से अल्लाह ने मगर खुशखबरी और ताकि मुतमयन हो जाए साथ इसके दिल तुम्हारे और नहीं मदद मगर अल्लाह के पास से बेशक अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है खूब हमत वाला है जब इसने ठाम ली तुम पर ऊँग अमन के लिए इसकी तरफ से और वो उतार रहा था तुम पर आसमान से पानी ताकि वो पाक कर दे तुम्हें साथ इसके और वह ले जाए तुमसे नजास्त शैतान की और ताकि वो मजबूत कर तुम्हारे दिलों को और वह जमा साथ इसके कदमों को ये सारे जो मोजे थे जंग बर्त के दौरान जो हुए थे उसका जिक्र है यहाँ पर जब वही कर रहा फरिश्तों के बेशक मैं साथ तुम्हारे साबित रहो इन्हें जो ईमान लाए यानी जो मुसलमान थे मोमिन थे जो वहां पर जंग लड़ रहे थे अनसार और मुहाजिर थे अल्लाह तला उनको हिम्मत दिला रहे यहाँ पर अन खरीद मैडालूंगा दिलों में इनके जिन्होंने कुफ्र किया रो को पस मारो ऊपर गर्दनों के और मारो इनके हर पोर पर ये बवजह इसके कि इन्होंने मुखालिफत की अल्लाह की और इसके रसूल की और जो कि मुखालिफत करेगा अल्लाह की और इसके रसूल की तो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है यह है सज़ा पसचक चखो इसे और बेशक काफ़िरों के लिए अजाब है आग का ऐ लोगों जो ईमान लाए हो जब मुलाकात करो तुम इनसे जिन्होंने कुफ़र किया मैदान जंग में पसना तुम फेरो पुश्तों को और जो कोई फेरेगा इनसे इस दिन पुष्ट अपनी सिवाय पैंतरा बदलने वाले के जंग के लिए या पनाह लेने वाले के तरफ एक रोके के तो तहकीक वो पलटा सात गज़ब के अल्लाह की तरफ से और ठिकाना इसका जहन्नुम है और कितना बुरा है ठिकाना यानी यहाँ पर मैदान जंग से पीट फेंक कर भागने वालों के लिए सज़ा सुनाई जा रही तो नहीं तुमने कतल किया इन्हें और लेकिन अल्लाह ने कतल किया इन्हें और नहीं फेंका आपने जब फेंका था आपने और लेकिन अल्लाह ने फेंका था और ताकि वो आजमाया मोमिनों को अपनी तरफ से आजमाइश अच्छी से बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला है ख़ूब जानने वाला है ये है और बेशक अल्लाह कमज़ोर करने वाला है चाल को काफ़ी की अगर तुम फैसला चाहते हो तो तहफीक आ गया तुम्हारे पास फैसला और अगर तुम बाज आ जाओ तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए और अगर तुम लौटोगे हम भी लौटेंगे और ना काम आएगा तुम्हें ग्रो तुम्हारा कुछ भी और अगरचे वो बकसरत हो और बेशक अल्लाह साथ हैं ईमान लाने वालों के ए लोगों जो ईमान लाए हो इतारत करो अल्लाह की और इसके रसूल की और ना तुम मुँह इससे जबकि तुम तुम सुन रहे हो और ना तुम हो जो इनकी तरह जिन्होंने कहा सुना हमने हालांकि नहीं वो सुनते बेशक बदतरीन जानदार अल्लाह के नज़दीक वो बहरे गुँगे हैं जो नहीं वो अखल रखते यानी जब मुसलमानों को कहा जाता है सुनने के लिए और वो नहीं सुनते यहाँ पर मुनाफिकों का जिक्र है तो अल्लाह तला को बदतरीन जानवर का लखब दे रहे हैं कि वो बहरे है और गंगे हैं जो दीन की बात नहीं सुनते और अगर जान लेता अल्लाह ने इन में कोई भलाई अल्बत्ता वो सुनवा देता इन्हें और अगर वो सुनवा देता इन्हें यकीनन वो मुंह फेर जाते और वो वही है एराज करने वाले ए लोगों जो ईमान लाह होबूल कर अल्लाह का और रसूल का जब वो पुकारे तुम्हें इसके लिए जो ज़िंदगी बख़्शता है तुम्हें और जान लो बेशक अल्लाह वो हायल होता है दरमियान आदमी और उसके दिल के और बेशक वो तरफ इसी के तुम इकट्ठे किए जाओगे और डर वो इसने से जो हरगज़ न पहुँचेगा इन्हें जिन्होंने या तुम में से ख़ास कर और जान लो बेश अल्लाह सख्त सज़ा वाला है और याद करो जब तुम थोड़े थे कमज़ोर समझे जाते थे ज़मीन में तुम तुम डरते थे कि उछक लेंगे तुम्हें लोग फिर इसने ठिकाना दिया तुम्हें और इसने तारीद की तुम्हारी अपनी मदद से और इसने रिस्क दिया तुम्हें पाकिजा चीज़ों से ताकि तुम तुम शुक्र अदा करो मक्के में जो लोग के साथ हुआ था उसके बारे में बता दें ए, ए लोगों जो ईमान लाए हो ना तुम खयानत करो अल्लाह और रसूल की और ना तुम खयानत करो अपनी इमानतों में जबकि तुम तुम जानते हो अल्लाह ताला की और उसके रसूल की खयानत नहीं करना यानी जो एक है अल्लाह ताला जो हुक्म नाजिल किए उस पर जो है ना अमल करना है और जान लो बेशक माल तुम्हारे और औला तुम्हारी आज़माइश है और बेशक अल्लाह के पास अजर है बहुत बड़ा ए लोगों जो ईमान लाए हो अगर तुम डरोगे अल्लाह से वो बना देगा तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान यानी फ़र्क करने वाली और वह दूर कर देगा तुमसे बुरायाँ तुम्हारी और वह बख्श देगा तुम्हें और अल्लाह फजल वाला है बहुत बड़ा और जब चालें चल रहे थे साथ आपके वो जिन्होंने कुफ्र किया ताकि वो कैद कर लें आपको या वो कतल कर दें आपको या वो निकाल दें आपको और वह चालें चल रहे थे और तदबीर कर रहा था अल्लाह और अल्लाह बेहतर है सब तदबीर करने वालों में यहाँ पर हिजरत के वक्त का जिक्र है जब नबी नवसलम अपनी जगह पर हजरत अली को लिटा कर चले गए थे हजरत के लिए उस चीज़ का जिक्र है यहाँ पर और जब पढ़ी जाती है इन पर आयात हमारी वो कहते हैं तहफीक सुन लिया हमने अगर हम बता कह लें हम मानंद इसी के नहीं ये मगर कहानियाँ पहलों की उनके सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती तो वो हमेशा ये बोलते थे कि ये पहलों की कहानियाँ हैं और जब उन्होंने कहा ऐ लागर है ये वही जो हक़ हाँ है तेरे पास है तो बरसा हम पर पत्थर आसमान से या ले आ हम पर अज़ाब दर्दनाक गुफ़ार मक्का का जिक्र है यहाँ पर वो हमेशा अल्लाह ताला को चैलेंज करते थे या फिर अल्लाह ताला को बोलते थे कि जल्द से जल्द अजाब लेकर आओ या फिर हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसाओ वग़ैरह और नहीं है अल्लाह के वह अजाब दे जबकि आप इनमें मौजूद हों और नहीं है अल्लाह असाब देने वाला इन है जबकि वह इस्तवार कर रहे हों पहले तो, तो सल्लम उनके दरमियान थे इसलिए अजब नहीं आया था क्योंकि जब तक रसूल है नहीं आता लेकिन जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके चले गए उसके बाद भी अजाब नहीं आया क्योंकि कुछ लोग मुसलमान मक्का में ही रह गए थे और वो जब तक इस्तवाल करते रहेंगे तब तक अजाब नहीं आने वाला था वहाँ पर और क्या है इन्हें के नाज़ाब देगा इन्हें अल्लाह हालांकि वो वो रोकते हैं मस्जिद हराम से हालांकि नहीं हैं वो मुतवली इसके नहीं मुतवली इसके मगर मुत्ल हो लेकिन अक्सर उनके लिए, उनके नहीं वो इल्म रखते और नाथ ही नमाज इनकी पास बैतला के मगर सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना बस चखो अजाबाव वजह इसके जो थे तुम तुम कुफ्र करते ये जो अजाब उनके ऊपर आया ये अजाब क्या था उनका वो लोग लो मारे गए जंगे बदल में उन लोग की जो हार थी वही उन लोग के लिए अजाब था तो लोग अजाब इसलिए आया क्योंकि उन लोग नमाज जो नमाज़ पढ़ते बोलते थे बतल के पास वो नमाज़ नहीं पढ़ते थे बल्कि चीटियाँ बजाते थे और तालियाँ बजाते थे बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया वो ख़र्च करते हैं अपने मालों को ताकि वो के अल्लाह के रास्ते से पसंद खरीब वो ख़र्च करेंगे इसलिए फिर वो हो जाएगा इन पर हसरत का सबब फिर वो मखलूब किए जाएंगे और वो जिन्होंने कुफ्र किया तरफ जानुम के वो इकट्ठे किए जाएंगे यहाँ पर कुफार मक्का के लिए यही है ताकि जुदा कर दे अल्लाह नापाक को पाक से और वो कर दे नापाक को इसके बास को बास पर फिर वो ढेर लगा देगा इसका सब का फिर वो डाल देगा इसे जहन में यही लोग हैं वो जो सजा पाने वाले हैं कह दीजिए इनके लिए जिन्होंने कुफ़्र किया अगर वो बास आ जाएँ बखश दिया जाएगा उनके लिए जो तहकी पहले हो गया और अगर वो पलटेंगे तो तहकी गुजर चुकी सुनत पहलुओं की यानी पहलों की सुनत यानी जो खौमें पहली गुजर चुकी हैं उनमें जो अल्लाह ताला के जब आने से वो मारे गए उसके बारे में है ये और जंग करो इनसे यहाँ तक के ना रहे कोई फितना और हो जाए दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह इसे जो वो अमल करते हैं खूब देखने वाला है और अगर वो मुँह मोड़ जाए तो जान लो बेशक अल्लाह मौला है तुम्हारा कितना अच्छा मौल्या और कितना अच्छा मददगार है واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان تدخلني ربي الجنه هذا قصى ما اتمنى وتهبني الدرجات العليا يا من المنه يا رب يا